तो मैंने भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों क्लासिकल डांस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। और फिर मैंने एक नए डांस की रचना की विच इज सूफी क्लासिकल। तो इतने स्ट्रिक्ट थे कि हम 5 मिनट लेट हो गए तो गुरु हमें छुपकी लकड़ी मारते थे। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर था। मेरा एक एल्बम है यूट्यूब पे, शंकर माधवन जी जो पद्मश्री है वहाँ के साथ, हिंदुस्तान मेरी जान, I've heard it, और इतना mesmerizing performance है। जैसे हम भी बहुत सारी पार्टीज और गेट टूगेदर और मूवीज और फैमिली गैदरिंग मिस करते हैं बिकॉज ऑफ आवर रिहर्सल्स एंड प्रैक्टिस। और पहले ऐसा था, इट वॉज अ पैशन फॉर मी, नाउ इट्स अ प्रेयर टू गॉड फॉर मी। कि जो मैंने वाराणसी में जो परफॉर्म किया रिसेंटली वो कुचिपुड़ी किया था और उसमें सत्यभामा का भामा कलापम किया था। तो सत्यभामा जी थे वो कृष्णा के वाइफ थे और शी वॉज वेरी यंगर देन कृष्णा। She was very beautiful with very long hair. And Krishna को बोलते हैं वो कि इतने सुंदर बाल है, आप कुछ नहीं करते हमारे लिए। And that time Krishna bring a पारिजातक का जो झाड़ है वो पूरा स्वर्ग में से पृथ्वी पर लाए। तो वो बोलते हैं कि पारिजातक का झाड़ सत्यभामा की वजह से यहाँ पर आया। नमस्कार, मैं वृद्धि ठक्कर WSC बातें में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज फिर एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। एक माँ और बेटा मंदिर दर्शन करने गए। मंदिर थोड़ा ऊपर था, सीढ़ियाँ चढ़नी थी। बेटे को ना हमेशा मंदिर मामा ऊपर क्यों होता है, क्यों हमें सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है? तो उसकी मामा ने बड़ा ही शानदार उत्तर दिया। उसने बोला कि जैसे जैसे हम एक एक स्टेप चढ़ते हैं वैसे हम अपना ईगो, एंगर, जेलसी सारी चीजें छोड़ के नीचे जाते हैं। ऐसी ही खूबसूरत सूफियाना शख्सियत यानी कि बीना मेहता जी आज हमारे साथ हैं। और बीना जी एक क्लासिकल डांसर हैं, क्लासिकल डांसर के अलावा शी इज अ ब्यूटीफुल सोल। और इनकी जर्नी इतनी मेस्मराइजिंग है, आई हैव सीन हर परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज और यकीन मानिए इनका डांस किसी पूजा से कम नहीं। सो वेलकम यू बीना जी ऑन दिस प्रोग्राम। आज की अगर हम बात करते हैं जर्नी की, तो WSC बातें एक हमारा बढ़िया सा सेगमेंट है जहाँ पर हम बड़े ही अच्छी अच्छी शख्सियत को लाते हैं। एंड इट इज अ प्रिविलेज टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच। इतना बढ़िया आपका करियर ग्राफ रहा है, पर हमेशा कहीं ना कहीं तो हम शुरुआत करते ही है। और आपने जितना ज्यादा मतलब बीइंग अ डॉटर ऑफ अ डॉक्टर, आपकी जर्नी के जो ट्विस्ट हैं, जो पड़ाव हैं, वो सब जानना जरूर चाहेंगे। जब 7 साल की थी तब मैंने डांस सीखना चालू किया था दर्पणा इंस्टीट्यूट से। और वो मुरानी सारा भी अम्मा बोलते हैं हमको, वो हमारे गुरु थे। और माय फादर वाज हार्ट स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट फिजिशियन। तो मुझे तो पहले से ऐसे ही था कि आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर लाइक हिम। आई फील सो प्राउड लुकिंग एट हिम कि मुझे इनके जैसा ही बनना है। बट मेरे फादर को ऐसा बहुत था और वो पेरेंट्स मेरे US रहते थे। एंड ही सेड कि नहीं, हम मेरी बेटी को तो इंडियन कल्चर लेना ही है। देन दे कम बैक टू इंडिया एंड मम्मी पापा ने फिर दर्पणा इंस्टीट्यूट में डाला मुझे सीखने के लिए। एंड तो इतने स्ट्रिक्ट थे कि हम 5 मिनट लेट हो गए तो गुरु हमें छुट्टी लकड़ी मारते थे। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर था, पर फिर भी डांस सीखना इतना अच्छा लगता था, पैशन था। तो लुकिंग एट गुरुज अदर डांसर्स आई फील वाओ, आई वांट टू लर्न मोर एंड मोर। तो मैंने भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों क्लासिकल डांस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। और फिर मैंने एक नए डांस की रचना की विच इज सूफी क्लासिकल। इट इज अमालगमेशन ऑफ भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी एंड कथक। और बहुत सारे उसके शो किए। मेरा एक एल्बम है यूट्यूब पे, शंकर माधवन जी जो पद्मश्री है उनके साथ, हिंदुस्तान मेरी जान। आई हैव हर्ड इट, और इतना मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस है उसमें। आई जस्ट लव द वे यू फ्लेयर द कॉस्ट्यूम बीना जी। इतना मतलब बैठे हुए लोगों को पता नहीं चलता कि आपका शो 2-3 घंटे का खत्म हो गया तो लोग उठना नहीं चाहते, वैसा मैंने देखा हुआ है माहौल। आई लव भरतनाट्यम कुचिपुड़ी सो मच,
पर जहाँ कहीं भी एज अ गेस्ट, एज अ जज, एज अ चीफ गेस्ट जाती थी आरंगेचल में, तो मैं देखती थी कि पीपल फील अब ये आरंगेचल कब खत्म होगा, तो मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि एक ब्लेंड ऑफ चीज है। नहीं, जो जो स्टूडेंट सीख रहा है वो 7 इयर्स की उनकी आराधना है, तो उनके लिए उनके गुरु और स्टूडेंट और पेरेंट्स ही खुश होते थे, बाकी सब लोग बोलते कि ये कब खत्म होगा, कब खाना होगा, आउट ऑफ पीयर प्रेशर आए हुए हैं। देन आई फील कि इतनी सारी मेहनत के बाद अप्रिशिएट क्यों नहीं होता है। देन आई हैव क्रिएटेड दिस सूफी क्लासिकल, जो सब क्लासिकल डांस का मिक्सचर है और भाषा भी उनमें हिंदुस्तानी लिया है, और ग्रेस तो इतना बढ़िया लगता है। अब मतलब इट इज यू कैनॉट मेक आउट कि कौन सा स्टेप जा रहा है। जैसे कथक भी जानते हैं, अगर आप भरतनाट्यम भी जानते हैं, आपको पता नहीं चलता कहाँ से वो ट्रांजिट कहाँ चला जाता है, बट द फीलिंग इज अमेजिंग। और ईश्वर की कृपा है, माय गुरु वाज अबरानी सारावी, राधा मेनन जी, एंड आचार्य लु गुरु के पास भी मैंने सीखा था। एंड आपने सारे मतलब टॉप मेंटर्स के पास ट्रेनिंग, तो आज आप खुद भी जो सबसे बिगिनिंग सीखा था वो प्रतीक्षा झवेरी मैम थे, एंड शी इज नो मोर। एंड पर जो उनके पास से देखा और आई फेल इन लव विथ माय गुरु कि ओ माय गॉड लुक एट देम, द एक्सप्रेशन, द स्टाइल, एंड आई वांट टू लर्न इट। सो वो मैं सीखती गई। और पहले ऐसा था, इट वॉज अ पैशन फॉर मी, नाउ इट्स अ प्रेयर टू गॉड फॉर मी। जैसे मैंने बताया, मतलब किसी देख आपको परफॉर्म करते हुए देखना, मतलब इट इज अ टोटली डिवाइन फीलिंग। यहाँ पे मैं आपसे एक और बात जानना चाहूंगी, आपने जैसे बताया कि टीचर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, छोटी लकड़ी आती थी अगर आपने कहीं लेट कर दिया, मिस्टेक कर दिया, तो आज का थोड़ा सा कल्चर बहुत बदल रहा है। बच्चों को इतना ज्यादा पैम्पर किया जाता है, दे आर केप्ट अवे फ्रॉम एनी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन थिंग्स, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि अभी क्या है कि मीडिया बहुत है, पीपल फील कि हम बहुत क्विकली जान लेते हैं नॉलेज, पर ऐसा है कि जो हमारे गुरु भी कहा करते थे कि जो ईश्वर को बहुत प्यारे होते हैं ना, उनको ही आर्ट देते हैं, आइदर म्यूजिक, आइदर डांस और पेंटिंग। सो सबको ये नहीं मिलता, तो गॉड चूज यू फॉर दैट, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि ईश्वर ने ही इनके लिए आपको जो मतलब वो चीज से नवाजा है। स्टूडेंट्स भी ऐसे ही है, वो बोलते हैं ना कि आपका कुछ लगाव है, कुछ है, वो ही आपके पास रहते हैं। तो मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, ना ही एंजॉय दैट जर्नी। टीचर इज लाइक अ मदर, वो आप उनको डांटते भी हैं तो दुलार भी उतना ही करते हैं, तो वो एक अलग फीलिंग हो जाती है। मैं एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। 2012 में मेरा गांधीनगर में शो था, संस्कृतोत्सव में, एंड मोदी जी वॉज चीफ गेस्ट एट दैट टाइम। ऐश्वर्या ने गाना गाया था, एंड इट वॉज ऑन गीत गोविंदम। सो गीत गोविंदम इज बेस्ड ऑन सरस्वती, बेसिकली गीत गोविंदम इज बेस्ड ऑन राधा, बट माई कैरेक्टर वॉज सरस्वती एंड देन राधा। तो शो वेंट सो वेल, आई वॉज ऑन क्लाउड 9, एवरीवन अप्रिशिएट सो मच, एंड कुचिपुड़ी किया था। सो क्लासिकल डांस कभी इतने वंस मोर नहीं होते, पर फिर भी बहुत अच्छा रहा था, लाइटिंग, कॉस्ट्यूम्स, म्यूजिक, एवरीथिंग वॉज सो परफेक्ट। एंड आफ्टर शो मैं जैसे जा रही थी चल के, और कोई ऐसे शोल्डर से मुझे टकराया, एंड आई फेल डाउन। तो तभी तो लगा भी बहुत, फिर घर पे आई, 2 दिन के बाद जैसे चलने गई तो पैर लॉक हो गया। देन आई वेंट फॉर MRI, एंड डॉक्टर सेड दैट यू हैव टू गो फॉर आर्थ्रोस्कोपी। लाइक माय फादर वाज आल्सो देयर, एंड बेटा आर्थ्रोस्कोपी तो करनी ही पड़ेगी। ओके, देन आर्थ्रोस्कोपी जब करने गए ना, तब डॉक्टर ने बोला कि इवन दो योर ऑपरेशन वेंट सक्सेसफुल, योर सर्जरी वेंट सक्सेसफुल, यू नेवर कैन डांस अगेन इन योर लाइफ। ओ माय, एंड इट वाज सो हॉरिबल फॉर मी। जब ऑपरेशन तो 20 मिनट्स का ही था, बिकॉज मेनिस्कस टेयर था, एंड देन
लाइफ है कि पूरी लाइफ तो कैसे ऐसे कुछ भी एक्सरसाइज तो करनी है। और मैं तो 7 साल की थी तब से डांस करती हूँ, तो माय बॉडी इज आल्सो हैबिट्यूटेड टू दैट एक्सरसाइज, राइट। देन आफ्टर 1 month and 40 days आई हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। ओह, एंड तो मतलब छोड़ा नहीं वो, डॉक्टर ने कहा फिर भी। दो महीना और 20 दिन के बाद मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट का शो था, कुचिपुड़ी भी किया ओपनिंग सेरेमनी में और क्लोजिंग सेरेमनी में सूफी क्लासिकल किया। जब आप रेस्ट कर रहे थे 1.5 महीना आपने बोला कि यू वर टोटली रेस्टिंग पीरियड आपका था, तब आपको कहीं कोई बार ये ख्याल आया कि अब मतलब मैंने जो पढ़ा है शायद करियर ट्रांजिट करने का वक्त आया, तो मैं माइक्रो लेट मी टेल यू माय स्टूडेंट्स आर लाइक माय डॉटर्स। वन ऑफ माय स्टूडेंट वाज अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड वो अनिल जैन की पैनल में थी, तो वो 4 दिन में 4 बार मुझे फिजियोथेरेपी करवाने आती थी। एंड जो डॉक्टर ने बोला था कि जो जो नहीं करना है वो मैंने बहुत स्ट्रिक्टली किया। एज आई स्टडीड माइक्रोबायोलॉजी, सो पहले से आई एम वेरी स्ट्रिक अबाउट माय डाइट एंड माय एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग। सो आई डू स्विमिंग आल्सो, साइकिलिंग आल्सो, योगा 13-14 साल से करती हूँ एंड डांसिंग। सो फॉर दैट एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, not only dancing, because I am performer also, I am still performing. अभी मैंने तो रियाज इतने होते, रिहर्सल इतने होते, performance तो is a one part that people see, पर उसके पीछे जो पूरी मेहनत जाती है, I have heard of it, you know. और अभी तक मैंने 109 शो किए 2012 के बाद, इतने शो के रिहर्सल्स भी इतने होते हैं, फिर क्लासेस ट्वाइस अ वीक थ्राइस अ वीक, और जब शो होता है देन एवरी वीक में हर रोज प्रैक्टिस होती है 4-5-6 घंटे। बट लेट मी टेल यू गॉड हेल्प मी अ लॉट। हां मैं उसकी तो रहमत रहती है कि ईश्वर कहां है तो ईश्वर तो साथ साथ में है सही में। और माय स्टूडेंट्स, माय पेरेंट्स, माय फैमिली, माय हस्बैंड एंड फ्रेंड्स एंड एवरीवन। सो बोलते हैं ना कि कोई इच्छा होती है तो पूरी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है, उसके लिए मैंने हार्डवर्क भी बहुत किया। मतलब 4 बार फिजियोथेरेपी इज इन इटसेल्फ अ व्हेन यू आर ऑलरेडी इंजर्ड। वो तो अच्छी बात थी फिजियोथेरेपी, पर फिर भी टू ट्राई समथिंग अगेंस्ट साइंस विल से कि नो यू कैन नॉट डू इट एंड स्टिल आई एम परफॉर्मिंग। अभी जो शो किया वाराणसी में वो 101वां संकट मोचन संगीत समारोह था, मेरे पहले जो पद्मश्री पद्म विभूषण है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी ने परफॉर्म किया, वो तो जैसे भगवान ही है, राइट। और मेरे बाद में विश्व मोहन जी ने वो भी ग्रैमी अवार्ड मिला हुआ है, और ये सब तो जैसे भगवान ही है क्योंकि इतना साल तक करना डाला है उन लोगों ने, तो हमें लगता है कि ईश्वर ही बुला रहे हैं ये सब जगह पे। और कुछ है जो हम, क्योंकि मैं तो लाइफ में वाराणसी नहीं गई, तो मैं आई वेंट देयर फॉर द फर्स्ट टाइम, घाट पे फीलिंग वाज अ ग्रेट, आई फेल्ट सो ग्रेट एंड रियली एंजॉय। और इतने बड़े बड़े शख्सियत, मतलब यू योरसेल्फ आर अ वेरी, हमारे गुजरात के लिए तो यू नो इट्स अ वेरी वेरी प्राउड पर्सनालिटी, हम कहीं पर भी जाए तो बोस्ट कर सकते हैं कि बीना जी बिलोंग्स टू गुजरात, पर फिर भी इन लोगों के साथ परफॉर्म करना एक मतलब वो अंदर से जो एक, और वो जो जगह थी ना संकट मोचन जो हनुमान जी का टेंपल था, और ये 101वां परफॉर्मेंस था, तो वहाँ दूसरे दिन कविता कृष्णमूर्ति, अनूप जलोटा, लास्ट ईयर भी सोनू निगम और ऐसे सारे आर्टिस्टों ने किया था, और वो जगह का वाइब्रेशन ही इतना अच्छा था, एक पायस फीलिंग, या यू फील लाइक Oh my God, God is there. बहुत enjoy किया। मुझे वो ही कहना था कि after arthroscopy, I do it and God helped me a lot. My husband, my son, my father, everyone was so supportive because dance was a never earning instrument for me. It's a, in beginning it was prayer and now passion and now it's a prayer to God, right? And सबको, मेरे स्टूडेंट्स को भी यही बोलती हूँ
कि एंजॉय योर जर्नी विच इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि वी डोंट नो एट नेक्स्ट मोमेंट व्हाट विल हैपन टू अस राइट, बट वी वांट टू एंजॉय अवर लाइफ एंड आर्ट उसके लिए ही होती है. और क्लासिकल जैसे आपने बोला आपने पांच you have mastered five dances. I mastered right? in two classical dances. But I learn also. Yeah, I learn also. Post graduation आपने किया या आपकी master ही बोले तो आप दो बोलेंगे. But then also you have already you are performing so amazingly well in all five categories. तो हमारे लिए तो मतलब you are master of five. और उसके साथ साथ आपका ये जो सूफी का एक blend है जो सारे dance का. is an eternal love to God and हमारे जो classical dance है वो also means जो mythology पर है सारा ही भक्ति का रस है सब जगह. Then I give the name Sufi classical because it classical dance connect to divine वाली बात ही है सब में ultimately everything all the मतलब वो फीलिंग वाली जो आप एंजॉय करते हैं. एक बात बताऊं कि मैंने पूरा कृष्णमय का डिजाइन किया. हाँ. जो स्त्रियां पूरी लाइफ कृष्णमय होके पूरा लाइफ निकाला ऐसे पहले तो दो माताएं देवकी एंड यशोदा जी. हाँ. देन गोपिया देन राधा जी मीरा देन रुक्मिणी उनकी पटरानी थी देन सत्यभामा then sakha was Draupadi and last was Meera bhakti. So sab swarup maine liye aur sabka maine pura choreography karke that performance tak, of yours yeah, and abhi tak krishna mai ki mai ke maine 43 performance kiye hai aur every performance went so well aur main aapko bataungi ki mujhe to मैंने 2018 में इंटरनेशनल गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में परफॉर्म किया. ओपनिंग सेरेमनी मैंने किया था और क्लोजिंग कैलाश खैर जी ने किया था. मेरे अगले साल किया था हेमा मालिनी जी ने ओपनिंग सेरेमनी किया था. सच्चा मेरे अचीवमेंट मेरे बाद में ग्रेसी सिंह थे बट आई नेवर वेंट टू कुरुक्षेत्र एंड आई नेवर नो दैट मैं लाइफ में कभी जाऊंगी. और ब्रह्म सरोवर पर था वो हमारा परफॉर्मेंस. जो वाइब्रेशंस थे लाइक आई फेल्ट दैट कृष्णा इज देयर. और एक बार नहीं दो बार कुरुक्षेत्र परफॉर्म किया. ऐसे ही मोढेरा सन टेम्पल का तो गुरु शिष्य परंपरा होता है गुरु के साथ 2001 में किया था. देन 2013 में मैंने अपने मैंने मेरे शिष्यों के साथ परफॉर्म किया. देन 2017 में आई गॉट डॉटर ऑफ गुजरात अवार्ड अगेन आई परफॉर्म एंड 2023 में भी परफॉर्म किया. सो टू परफॉर्म एट दिस प्लेसेस आई परफॉर्म एट यूएसए आल्सो यूके आल्सो लंदन गई. ट्रैवल तो आई थिंक आप काफी करती हैं. मैंने उसके ऊपर तो हम आने वाले हैं पर थोड़ा सा आपके अचीवमेंट की ओर अगर चलते हैं तो गुजरात गौरव पुरस्कार इज समथिंग दैट इज पास्ड ऑन एज अ legacy to the family right. Yeah, it's a cultural yeah, yeah, एक तो ऐसे तो आपने मतलब मैं अगर अवार्ड की यहाँ पर बात करूंगी तो लोग दो चार साल में एक एक अवार्ड लेते हैं. आप एक साल में दो दो तीन तीन अवार्ड लेके आते हैं तो किस तरह का फीलिंग रहता है और ये हाउ वाज द ये गुजरात पुरस्कार का पर्टिकुलरली आपका क्या फीलिंग रहा हो अवार्ड लेते गौरव पुरस्कार. तो माय गॉड इट वाज अमेजिंग. बट फिर भी आपको बताऊं कि अवार्ड इज नॉट मींस मैं पहले भी मेरे स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ और सबको मुझे एक मैसेज देना है कि डांस इज नॉट ऑल अबाउट अ परफॉर्मेंस और एंटरटेनमेंट. इट्स अ लाइफ इट्स अवर इंडियन कल्चर. वन लिव विथ इट एंड एंजॉय दैट जर्नी. सो ये अवार्ड का भी ऐसा ही है. इट्स अ रिकॉग्निशन इन सोसाइटी. एप्रिशिएशन इज ऑलवेज एप्रिशिएटेड बट रिकॉग्निशन एंड एप्रिशिएशन इन सोसाइटी देन सो मेनी किसी के किस कोई कोई तो आइडल होता है या वी फेल किया जैसे हम हमारे गुरु को देख के होता था कि आई वांट टू परफॉर्म लाइक दिस आई वांट टू लर्न लाइक दिस. और औरों के लिए भी इंस्पिरेशन हो जाता है जो यंग जनरेशन है वो देखेंगे तो उनको एक क्योंकि अभी अभी हमारे वहां पर इंडियन कल्चर वी आर कैरिंग अवर
इंडियन कल्चर इट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि हम क्लासिकल डांस करें, क्लासिकल म्यूजिक करें, क्योंकि बेसिकली तो हमारा वो ही खजाना है हमारे पास, तो इतना सारा मतलब ट्रेडिशन और जो ये क्लासिकल जो चीजें हमें मिली है हेरिटेज में, उन चीजों को आगे लेके जाना इज ऑल्सो अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू आर कैरिंग. और आप अपने मतलब स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छे से वो चीजें मुहैया करा रही है और वो भी अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस देते हैं. तो एनी इंसिडेंट यू कैन थिंक ऑफ कि जहाँ पे कुछ चैलेंजेस आए हो या कई कोई बार कुछ प्रॉब्लम हुआ. हमने एक बार ऑर्थोडेंटिस्ट कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हमारा परफॉर्मेंस था एंड मेरे जो दो स्टूडेंट्स थे वो 15 साल से मेरे साथ परफॉर्म कर रहे थे और तब भी लाइक माय राइट एंड लेफ्ट एंड तब भी एक स्टूडेंट को वो टाइम मॉर्निंग में ही आया कि उसको डेंगू पॉजिटिव है वो, और बहुत बड़ा परफॉर्मेंस था, जगह भी बहुत बड़ी थी एंड आई सेड कि नो प्रॉब्लम एंड शी हैव सो मच स्ट्रेंथ, ऐसे 40 सर्कल्स लेके भी वो पोज लेके खड़ी रह जाती थी, इतनी सुंदर लड़की. तो तनुश्री और प्रियांशी दोनों बहनें थी, बहुत सुंदर डांस हमने बहुत परफॉर्म किया एंड देन हमारा परफॉर्मेंस स्टार्ट एट 7 o'clock. 4 बजे दूसरा रिपोर्ट आया कि उसको अभी डेंगू के साथ टाइफॉइड भी है. राइट तो लास्ट मोमेंट पर कोरियोग्राफी चेंज करो और सब मैनेज करो, इतना सारा इनविटेशन, इतना सारा हुआ तो कैसे करेंगे. एंड शी सेड मैम आई विल गोइंग टू परफॉर्म. पहले 2 डांस किए हमारे, 8 डांस थे, देन 2 डांस किए, फिर शी हैज स्टार्टेड वॉमिटिंग. टाइफॉइड तो मतलब तो नहीं डेंगू एंड टाइफॉइड राइट. एंड देन थर्ड डांस में शी कुडंट परफॉर्म अगेन, 4th डांस में शी केम एंड मैम आई विल डू इट, आई विल मैनेज इट. सो इट वाज अ वेरी स्ट्रेस मोमेंट फॉर अस टू लास्ट मोमेंट. अदर डांसर्स आल्सो गेट कंफ्यूज्ड कि ये जगह खाली पड़ी तो कैसे कैसे कंपेंसेट करेंगे वो स्पेस को. ऐसा शायद लाइफ में भी होता ही होगा ना कि हम सोचते हैं क्या और होता क्या है. एक बार दूसरा भी हुआ था कि मेरा 2 दिन बाद शो था और माय फर्स्ट कजिन डाइड एट 57 एंड तभी ऐसा हुआ कि हाउ फैमिली विल थिंक कि आई एम गोइंग टू परफॉर्म. प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है बहुत सारा. देन होल फैमिली सपोर्ट मी सच अ ग्रेटली, पर तभी मुझे हुआ कि ये क्या है हमारा बॉडी. Then I was thinking of and then I created 5 elements of life पर पूरा मैंने creation किया. So it is also amazing. Yeah. तो बहुत सारे creation किए, 5 elements of life, कृष्णमयी, फिर सावरे, तेरी दीवानी, ओरे पिया, एरी सखी, then मृगनयनी, मुग्धा. तो सब में जब भी हम बोलते हैं कि जब भी अच्छा काम करते हैं ना तो कुछ ना कुछ हर्डल्स तो आते ही हैं. हर्डल्स भी आते हैं और पावर भी आ जाती है कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करने की. बहुत अच्छी आती है. आई रियली से दैट पहले मुझे बहुत लगता था कि मुझे डॉक्टर ही बनना था कि पापा ने क्यों ऐसा किया. मैं हर वक्त नहीं तू डांस कर एंजॉय कर, पर अभी मुझे बहुत लगता है कि ही वाज राइट बिकॉज ही पास्ड अवे 1 year back एंड my mother also ki nahi you should learn, she also encouraged me so much and then I felt that my parents was right because I'm still performing, it's a good exercise, entertainment and relaxation and it gives power, prayer and you give us such a great example to our culture, to our people that yes. you should learn, you should do classical dance. It's perfectly, right? perfectly yeah. right. और एक अगर और चीज़ जानना चाहे तो you know always when you get married, you have kids, your priorities change. You always, you had lot many shows lined up and have you managed all those things? My husband is an architect and he's also artist. So he support me a lot. जैसे ये शो किया था माधुरी का करके था, राजस्थानी बैले किया था,
So the when I design the music and costumes, he always helped me that lighting should be like this. Wow. And decoration should be like this. He always support me so much. Like sometimes he's like my father, my friend. Sometimes he's like well-wisher and guide me that you should do this. And my son also, he's also industrial designer. Okay. So my backbone hamesha bahut strong rahi hai. You had a by God grace father who supported and made you take this career. Then your husband is there, your and son is jo there. Bhi journey mein aaye, everyone try to help and वो लोग आपका पहला परफॉर्मेंस हमेशा देखते हैं, बेटा हस्बैंड पहला परफॉर्मेंस नहीं, हर परफॉर्मेंस में साथ में ही होते हैं, पर अगर मैं इफ आई एम ट्रैवलिंग एंड इट्स फार अवे देन दे आर नॉट देयर. ओके. बाकी यहाँ के परफॉर्मेंस में तो सब पूरा फैमिली, पेरेंट्स एंड ब्रदर सिस्टर एंड कजिन्स एंड एवरीवन. Yeah. How do you manage your eating habit? क्योंकि स्टेमिना भी इतना चाहिए, रिहर्सल इतने, नींद भी कई बार ऐसा होता है कि ऑन गो पूरी नहीं होती. फिर अभी जो वाराणसी गए तो हम 3:15 बजे घर से निकले थे. Then we have a 4:50 flight. And one of your student already had fever. Yeah. I know. So generally I used to eat protein diet more. I do exercise and sleeping का भी ध्यान रखती हूँ. Students को भी बोलती हूँ कि time से भी है. और इतना CV always being a on a stage, you have to put on lot of makeup, costumes पहनने में आपके मतलब I've heard that it takes hours, you know, to अगर classical है तो वही है. सूफी के जो हमारे costumes है, it's 17 या 22 meters. So जैसे हम बोलते हैं ना कि बारिश आती है तो 5 साल का बच्चा और 80 साल के बूढ़े भी उसमें एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं या भीगते हैं. तो ऐसे ही डांस का भी है कि आई डांस विद माय कॉस्ट्यूम्स आल्सो, लाइक आई एंजॉय माय डांस. इट इज ऑलवेज फेल्ट, यू नो, वो जो आपका शेड होता है कॉस्ट्यूम का पूरा, एंड एवरीबॉडी इज यू नो गोइंग इन सर्कल्स, इट इज टोटली मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस. तो कैसे ध्यान रखती है स्किन का आपने? बस स्पेशल तो कुछ नहीं करती हूँ, बट आई वॉच माई डाइट सो मच. आई डोंट ईट फ्राइड फूड एंड बहुत सारा मेकअप हम नहीं रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं. एंड आई ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एंड फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स एंड हाइड्रेटेड. घर का खाना, हाँ. वो बहुत है कि घर का खाना ही. आई इन रेगुलर लाइफ आई नेवर गो आउट टू ईट, मीन्स ज्यादा स्किप करती हूँ. कहीं शादी में जाना है तो घर पे खा के जा जाती हूँ. दैट इज समथिंग, मतलब वैसे भी घर का खाना है तो एनर्जी का लेवल एक अलग ही होता है. और हमारे स्टूडेंट्स भी, जैसे हम भी बहुत सारी पार्टीज और गेट टुगेदर और मूवीज और फैमिली गैदरिंग मिस करते हैं बिकॉज ऑफ आवर रिहर्सल्स एंड प्रैक्टिस. सो पर व्हाट वी आर गेनिंग इज 1000 टाइम्स. आई थिंक एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स एट सम पॉइंट कि भाई उनका मतलब जो जो आप करते हैं उसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज की गुंजाइश नहीं है, तो आपको उसमें तो पूरा टाइम देना ही है. तो आई थिंक द वे योर फैमिली इज सपोर्टिंग यू इन चीजों में भी एवरीबॉडी विल अंडरस्टैंड कि आप आज नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, हम कवर अप कर लेंगे कभी ना कभी, है ना. काफी यंग लोग, आज का जो ट्रेंड है, यू नो, देयर इज एवरीथिंग फास्ट फास्ट मूविंग लाइफ, सोशल मीडिया इतना है, तो सबको कोई ना कोई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जो है वो हर बार बदलता चाहिए, कुछ ना कुछ नया चाहिए. तो वो यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को यही मैसेज देना चाहूंगी कि जो हम अभी मीडिया में देखते हैं कि एवरीथिंग यू गेट सो क्विकली, इट्स नॉट लाइक दैट. इफ यू वांट टू स्टडी हार्ड एंड बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर और आर्किटेक्ट, यू हैव टू वर्क सो हार्ड फॉर दैट. सो इट्स अगेन एन आर्ट, रियाज करना पड़ता है. जैसे यू वांट टू गेट फिट, देन यू हैव टू डू एक्सरसाइज एवरी डे. यस, इट्स लाइक दैट. देयर इज नो शॉर्टकट टू इट. नो शॉर्टकट लाइफ में, किसी चीज का शॉर्टकट है ही नहीं, सिवाय कि आप किसी की गद्दी पे बैठ जाओ और पैसे कमाने लगो तो
पर ऐसा तो है, मजा नहीं है ना, मजा नहीं है यार। सो हमने यहाँ तक जाने के लिए बहुत मेहनत किया है। I really enjoy that journey so much. वाकई में it's wonderful talking to you. Last way, giveaway में मैं एक कोई अगर classical dancer है और अपने career को तराशना चाहती है तो उसको आप क्या tips देना चाहेंगे, उनको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा apart from what we already discussed? जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर यू आर थिंकिंग दैट डांस इज अ अर्निंग इंस्ट्रूमेंट देन इट्स रॉन्ग। कोई भी आर्ट है तो पहले यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट लर्निंग एंड कैसे आगे उसमें यू पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट, राइट? देन यू एंजॉय दैट जर्नी। मनी इज मे बी बाय प्रोडक्ट और मे बी नॉट, बट आई विल नेवर एम्फसाइज दैट any art is a earning instrument. It's your life, it's your soul, it's maybe your bhakti, it's a prayer to God. Sakti, because you are the privileged one. कि आपको शायद backend में financial ज़रूरत नहीं है, पर अगर कोई है जिनको financial, but it will be the by product. You will get money. Like जब आप medical पढ़ते हो, medicine पढ़ के बाहर post graduation करके निकलते हो, then you know how you will be success. Even though you study for 13-14 years ke baad you get doctor degree, right? But phir bhi you work so hard for that, right? Wo to hai, so it's like that. Aur waqai mein wo aap jo bata rahe hain wo bahut zyada maayne rakhta hai ki aap matlab paise ko soch ke mat kariye, passion ko kariye follow and you'll end result aapka jo zarurat hai bhagwan aapko de dega. Jaise aapne bola supporting environment mil jata hai, you get supporting family, supporting team, my son, my daughter, my husband, parents, students, family, friends, everyone is trying to help. So that's great journey, right? I think I've not done justice to your awards or Hindustan Mary Jane performance also. Uske bare mein ya aap apne awards ke bare mein main jo chook gayi hu wo kuch specially elaborate karna chahe to. Nahi, awards ke bare mein to awards to milte jate hai, par again it's a recognition and people get to know to learn classical dance and enjoy that journey is more important than anything else. Jaise classical dance, agar hum classical dance ki baat karte hain, to there is always one character, there is a beautiful Indian classical dance mein ek storytelling hota hai. To wo alag aur dance mein kam hota hai, you know, not that it is not there, but kafi aaj ke jo naya version hai usme nahi hota hai. To thoda sa usko aap kaise relate karenge? Abhi jo maine Varanasi mein jo perform kiya recently, wo kuchipudi kiya tha aur usme Satyabhama ka Bhama Kalapam kiya tha. And Bhama Kalapam is such a great dance that every Kuchipudi dancer have a dream to perform in their dance career. कि भामा कलापम तो एक बार करना ही है। तो सत्यभामा जी थे, वो कृष्णा के वाइफ्स थे और शी वॉज वेरी यंगर देन कृष्णा एंड शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल विथ वेरी लॉन्ग हेयर एंड कृष्णा को बोलते हैं वो कि इतने सुंदर बाल है, आप कुछ नहीं करते हमारे लिए. And that time Krishna bring a parijatak ka jo jhad hai, wo pura swarg mein se prithvi par laye. To wo bolte hai na ki parijatak ka jhad Satyabhama ki wajah se yahan par aaya. And then she said ki I don't want to share you with anyone, right? And Krishna said whenever you will see, you will get me around you and with you. So har ek ki story hoti hai, jaise Meera ji ki hai ki वो बचपन से ही शी वॉज माई सांवरे रंगराची, तो शी वॉज इन टू कृष्णा एंड एवरीवेयर शी पास हर लाइफ इन टू भक्ति. ऐसे जो दो मदर्स थी, जो उनकी देवकी और यशोदा जी, वो भी उन्होंने भी बहुत हार्डशिप किया और बहुत दिल से कृष्णा जी को ब्रॉटअप किया और उनके नटखटपन को जैसे उन्होंने और कितना सारा स्ट्रगल देवकी जी का तो हमें पता ही है, राइट?
देन गोपिया। आपको बहुत अच्छा मुझे शेयर करना है कि जो गोपी का डांस था वो हमने चार गोपी में अलग अलग म्यूजिक में डिवाइड किया था, तो पूरा म्यूजिक ही था। जैसे फर्स्ट गोपी वॉज वेरी लविंग एंड केयरिंग और वो राग पुरंदरेशी लिया था। देन सेकंड गोपी ऐसा हुआ था कि जब भगवान मथुरा में नदी में नहा रहे थे तो एक लोटस था, थोड़ा खुला हुआ और थोड़ा मुरझाया हुआ, तो वो देख के भगवान थोड़े बेहोश हो गए। तो उद्धव जी ने बोला, काना काना क्या हुआ? देन कृष्णा सेड कि ये लोटस देख के मुझे राधा जी की याद आ गई। तो बोला, इतना मथुरा नरेश होके ऐसी बातें करता है? अच्छा तो तुम जाओ। जैसे उद्धव जी थे ना, वो ही लुक सेम एज लाइक कृष्णा, खाली उनके दोनों के कलर्स अलग थे। कृष्णा जी के श्याम वर्ण था और ये थोड़े फेयर थे। एंड देन वो रथ लेके जाते हैं वृंदावन, जंगल में जाते हैं तो उनके पीछे इतनी गाय दौड़ती है। एंड फिर सब गोपियां, जब रथ खड़ा रहता है ना, शायद आपने कोई पिछवाई का पेंटिंग देखा होगा कि जब रथ उनका खड़ा रहता है ना, तब गाय उनके उनको देख के बेहोश हो जाती है और गोपियां भी वहां गिर जाती है कि ये तो कृष्णा नहीं है। तब वो उद्धव जी बोलते हैं कि मुझे माँ को मिलना है, और क्योंकि कृष्णा बोलते हैं कि तू एक बार उद्धव वृंदावन जा, माँ को मिल और राधा जी को मिल। तब राधा जी आते हैं और माँ आती है, माँ मक्खन लेकर आती है और राधा जी उनकी बांसुरी लेकर आती है। एंड माँ बोलती है कि मेरे बेटे को ये खिलाना, कितने दिनों से नहीं खाया है, दुबला हो गया होगा। राधा जी को उद्धव जी बोलते हैं कि आपको कृष्णा को कुछ बताना है। देन राधा जी सेड कि जो मन में बसे, जो तन में बसे, इन शासन में बसे वाको का संदेश, ये बांसुरी भूल गए हैं उनको दे देना। तो वो जो डिवोशन था उनका, उनको जरूरत नहीं थी, शी ऑलरेडी न्यू। एंड वी शो दैट, एंड जो उन्होंने ऐसा बताया, देन थर्ड गोपी वॉज वेरी अंडरस्टैंडिंग की हम भी कृष्णा को बहुत चाहते हैं, वो भी हमें बहुत याद करते होंगे, आते क्यों नहीं है। एंड फोर्थ गोपी लाइक लॉयर कि काले का तो विश्वास ही नहीं करना चाहिए, हमारा ही दोष है, हमारा ही दोष है, हमने क्यों उनको प्रेम किया, हम भी नहीं प्रेम करते, उनको बोलना यहाँ आना ही नहीं है। सो गोपी डांस वॉज लाइक दैट। एंड राधा में हमने, I am having goosebumps hearing the story of it. So, राधा में हमने तीन पार्ट में राधा किया था। जैसे राजस्थान में घूमर करते हैं, वैसे वृंदावन में वो लोग रसिया करते हैं। तो पहले हमने रसिया का डांस किया, देन सेकंड डांस उसमें ही कंटिन्यूटी में मृगनयनी। राधा वॉज सो ब्यूटीफुल, उनकी आईज इतनी सुंदर थी कि उनको मृगनयनी बोलते थे। तो मृगनयनी का थोड़ा पोर्शन लिया। एंड देन लास्ट वॉज लाइक राधा जी, राधा को घैली बोलते थे, राइट? हमारे गुजराती में राधा घैली, राइट? तो राधा जी इतने कृष्णमय हो जाते हैं कि ये पंडित जसराज जी ने ये सॉन्ग की रचना की है और मेरा म्यूजिक है वो नीरज परीख ने किया था, ही इज ऑल्सो जसराज जी के स्टूडेंट। एंड मायरी श्यामा श्याम श्याम रटत श्यामा श्याम भई, तो वो जो उनका जो लास्ट जो है श्याम 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 श्याम, उसमें मेरे 36 चक्कर आते हैं। एंड यू फील रियली कि कृष्णा अभी छोड़ के चले गए। तो हमारी गुजराती में वो है सॉन्ग भी है जो लता जी ने गाया है कि जैसे उद्धव जी को वो काली भाषा वृंदावन की औधा जी बोलते थे कि हे औधा जी रे मारा वाला ने बढ़ी ने के जोरे, हे माने तो मनावी ले जो मारा वाला ने बढ़ी ने के जो। So
वो पूरा सो ऑल डांसेस वर वाज आई पुट माय हार्ट एंड इवन माय स्टूडेंट्स बिकम सो कृष्णमय कि जो हमने पहला शो किया था ऑडियंस सेड वाओ यू ऑल आर कृष्णमय एंड वी एंजॉयड अ लॉट सो वो हर एक डांस में होता है आई एम रियली यू नो ब्लेस्ड टू बी हियर विद यू मुझे इतना अच्छा फीलिंग आया एज इफ मतलब इट वुड बी नेक्स्ट लेवल टू सी यू परफॉर्मिंग अगेन तो मुझे लग रहा है कि आपने एक झलक दिखा दी जो आप स्टेज पे जो हंगामा करती हैं मतलब द वे यू मेक पीपल टोटली टेक द मेनी ट्रांस एक्चुअली नेवर थिंक अबाउट पीपल आई जस्ट थिंक अबाउट गॉड ही इज वाचिंग मी एंड आई एम गोइंग टू डू प्रेयर पर आप शायद गॉड को और ऑडियंस को कनेक्ट करना का वहां पर माध्यम बन जाती है ऑडियंस तो वो फ्लो में आते हैं But baki, this is my prayer to God. Yes, so yes. I never, again I say, this dance is not all about performance or an entertainment. It's a life. It's like that. What can be your future plans for? बस जब तक करती हूँ तब तक करती जाऊँगी नए नए creation करने and I want to enjoy my whole journey and yeah, it's a great, great life that. One life to live and one life to enjoy. And वाकई में आप जो करते हैं और enjoy करते हैं तो you can take it to the next level. और उसकी बहुत बड़ी मिसाल है बीना जी. It was wonderful talking to her. मुझे लग रहा है कि मैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा classically, traditionally enriched होके निकल रही हूँ पर मुझे यकीन है कि ये interview, ये podcast देख करके आप सबको भी लगेगा Bina ji has taken really dance to next level. Looking forward to seeing you again. Main Priti Thakkar, Bina Mehta ji se vida leti hu. WSC baatein mein. Thank you everybody.